अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी अपनी ज़रीना ज़रीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार आसान सी रेसिपी, चाइनीज़ आलू बनाने की रेसिपी। रेसिपी हमारी माशाल्लाह बिल्कुल आसान है, खाने में बहुत मज़ेदार टेस्टी। चलें अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आलू की चाइनीज़ रेसिपी बनाने की। एक पाव हमने ये आलू लिए हैं, बारीक बारीक काट लिए इन्हें। 2 से 3 मिनट उबलते हुए पानी में उबाल लेंगे। पैन रख लिया है मैंने, 4 से 5 टेबलस्पून हम ऑयल ले लेंगे। पूरा गट्ठा हमने ये लहसुन का ले लिया है, बड़ा वाला। 2 हरी प्याज, हरा धनिया, चार अदद टमाटर, इनका पेस्ट बना लिया है हमने। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे हम। अब इसमें सबसे पहले लहसुन भून लेंगे। लहसुन हमारा हल्का सा भून चुका है, बहुत ज़्यादा हम भूनेंगे तो ये कड़वा हो जाएगा। अब हम ले लेंगे इसमें कुछ ड्राई मसाले, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, हम टमाटर का पेस्ट डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक हसबे जायका या 1/2 टीस्पून। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मसाला हमारा भून चुका है माशाल्लाह, अब हम डाल लेंगे 1 कप पानी। मिक्स करके इसको अच्छी तरह से, घर का बना हुआ सोया सॉस है ये, होममेड। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। 4 से 5 टेबल स्पून हम ले लेंगे सोया सॉस। गार्लिक सॉस, ये भी होममेड है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये भी हम डाल लेंगे 3 से 4 टेबल स्पून। ग्रेवी हमारी पक चुकी है माशाल्लाह, अब हम आलू डाल लेंगे। मज़ेदार चाइनीज़ आलू हमारे माशाल्लाह तैयार है। अब हम डाल लेंगे हरी प्याज, हरा धनिया, ये और मज़ेदार करने के लिए। और अब हम निकाल लेंगे मज़ेदार से हमारे चाइनीज़ आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम निकाल लेंगे मज़ेदार सी हमारी चाइनीज़ आलूओं की रेसिपी। आज की अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।